डिस्कस करेंगे हर तरह के गेम्स को कैटेगरीज वाइज चुन करके कि कौन कौन से गेम्स आप लोगों को देखने के लिए मिले हैं 2018 के अंदर। और ये जो लिस्ट मैंने बनाई है इसको काफ़ी टाइम लगा है बनाने के लिए। यहाँ पर से मैंने सारे के सारे कैटेगरीज से कमाल कमाल के गेम्स को चूज़ किया है, यानी कि इस लिस्ट के अंदर आपको सभी टॉप लेवल के गेम्स देखने के लिए मिल जाएंगे जो 2018 में आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर से हमारा जो सबसे पहला गेम निकल के आता है वो है दोस्तों नन अदर देन पबजी मोबाइल। दोस्तों पबजी मोबाइल जो गेम है बिल्कुल न्यू गेम है, रिवॉल्यूशनरी गेम आप लोग इसको बोल सकते हैं 2018 के लिए, क्योंकि जब से ये गेम आया है इसने बिल्कुल चेंज कर दिया है एंड्रॉयड गेमर्स की जो दुनिया है। सभी लोग इस गेम को पसंद कर रहे हैं, खेलना चाह रहे हैं, क्योंकि एक ऑनलाइन बैटल रॉयल गेम है, यानी कि आप अपने अपोनेंट्स के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में बैटल कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ये काफ़ी न्यू तरीके का कॉन्सेप्ट लेकर के आए और ये सभी लोगों को पसंद भी आया है। तो चलिए दोस्तों मूव करते हैं सेकंड गेम की तरफ, और जो सेकंड गेम है दोस्तों उस गेम का नाम है डार्कनेस राइजेस। दोस्तों डार्कनेस राइजेस बहुत ही ज़्यादा हाई ग्राफिक और कमाल कमाल के कैरेक्टर्स आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाला गेम है। इस गेम के अंदर आप लोगों को काफ़ी कमाल के फाइटिंग एक्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे, जहाँ पर दोस्तों आप लोग कमाल कमाल के मूव्स को इस्तेमाल करेंगे अपने अपोनेंट्स को मारने के लिए, और जो ग्राफिक्स है इस गेम की वो बहुत ही अच्छी आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये गेम भी ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं अपने सीरीज के थर्ड गेम की तरफ, और जो थर्ड गेम निकल के आता है दोस्तों सीरीज का वो बिलोंग करता है फुटबॉल गेम्स के लवर्स को। जी हाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ PES 2019 प्रो इवोल्यूशन सॉकर गेम की। दोस्तों ये जो गेम है इसके अंदर आप लोगों को कमाल के फुटबॉल प्लेयर्स देखने के लिए मिल जाएंगे जो लेटेस्ट जनरेशन वाले हैं, और जो ग्राफिक्स हैं वो भी बहुत अच्छी देखने के लिए मिलेंगी। ये गेम दोस्तों हर ईयर आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं एंड्रॉयड डिवाइसेस के ऊपर भी और अदर प्लेटफॉर्म्स पे तो लॉन्च होते ही लाइक कंसोल्स और PC। तो काफ़ी अच्छी बात है, इस गेम को हम लोग साथ ही साथ में एंड्रॉयड पर भी प्ले कर पाएंगे और जो यूज़र है वो उसको कंसोल और PC पर भी प्ले कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों मूव करते हैं यहाँ पर से हमारे सीरीज के फोर्थ गेम की तरफ, और जो फोर्थ गेम निकल के आता है दोस्तों वो है फोर्टनाइट। दोस्तों फोर्टनाइट अगेन एक बैटल रॉयल गेम है जैसा कि है पबजी, लेकिन फोर्टनाइट को उतनी ज़्यादा फॉलोइंग नहीं मिल पाई है। इसका रीज़न यही है कि ये बहुत ही लिमिटेड एंड्रॉयड डिवाइसेस को सपोर्ट करता है, लेकिन उसके बावजूद जो गेम है वो काफ़ी अच्छा है। गेम की ग्राफिक्स अच्छी हैं, एनिमेटेड ग्राफिक्स आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। पबजी से ज़्यादा यहाँ पर से कुछ आप लोगों को कमाल कमाल के मोड्स मिल जाते हैं जो पबजी में नहीं है। साथ ही साथ में ये सीजन टू सीजन आप लोगों के लिए अपडेट्स भी लाता रहता है। तो आई होप दोस्तों आप लोग को अभी तक के गेम्स पसंद आ रहे होंगे। अभी तो सिर्फ सीरीज शुरू ही हुई है, अभी बहुत सारे गेम्स आप लोगों के लिए बाकी हैं। तो चलिए दोस्तों मूव करते हैं सीरीज के फिफ्थ गेम की तरफ, और जो फिफ्थ गेम निकल के आता है वो है दोस्तों हैलो नेबर। दोस्तों हैलो नेबर भी एक बिल्कुल नया गेम है जो कि ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है कंसोल्स के ऊपर, PC के ऊपर, लेकिन आप इसको साथ ही साथ में प्ले कर सकते हैं एंड्रॉयड डिवाइसेस के ऊपर। इस गेम की जो ग्राफिक्स हैं वो सेम टू सेम फोर्टनाइट जैसी लगती है, एनिमेटेड ग्राफिक्स का यूज़ किया गया है। गेम की जो स्टोरी है वो आप नेबर का रोल प्ले करेंगे, यानी कि आपको पता करना है कि आपका जो नेबर है आपसे क्या छुपा रहा है, उसके घर में जाना होता है सीक्रेटली, और एक स्ट्रैटेजी और हॉरर टाइप गेम ये देखने के लिए मिलता है। ये भी दोस्तों काफ़ी अच्छा गेम है, अगर आप लोगों ने अभी तक ट्राई नहीं किया तो ज़रूर एक बार ट्राई कर लीजिए। जितने भी गेम्स दोस्तों मैं सीरीज के अंदर आप सभी लोगों को बता रहा हूँ सभी की डाउनलोड लिंक्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएंगी, तो आप लोग वहाँ पर से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए मूव करते हैं सीरीज के सिक्स गेम की तरफ, और जो सिक्स गेम है दोस्तों वो बिलोंग करता है रेसिंग कैटेगरी को। रेसिंग कैटेगरी के अंदर भी काफ़ी अच्छे गेम्स लॉन्च हुए हैं 2018 के अंदर, और उनकी जो मिसाल है वो है एसफॉल्ट 9 लेजेंड्स। एसफॉल्ट 9 लेजेंड्स की दोस्तों जो ग्राफिक्स हैं वो बहुत ही अच्छी नेक्स्ट लेवल की आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। इस गेम के अंदर जो कार्स हैं, जो ट्रैक्स का यूज़ किया गया है वो बहुत ही अच्छे हैं, जो आप लोगों को मज़ा आएगा रेसिंग का वो बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिलेगा, और अब तो इसके अंदर 60 FPS का सपोर्ट भी दे दिया गया है। तो चलिए मूव करते हैं यहाँ पर से हमारे सीरीज के सेवंथ गेम की तरफ, और दोस्तों जो सेवंथ गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। दोस्तों ये भी एक मल्टीप्लेयर बैटल रॉयल गेम है, इसी तरीके का यहाँ पर से आप लोगों को एनवायरनमेंट देखने के लिए मिलता है। जो ग्राफिक्स हैं वो कार्टूनिस्टिक हैं, और जैसे कि नाम से पता चलता है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन उसी की तरीके का एनवायरनमेंट यहाँ पर से आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर से मैं सभी गेम्स के बारे में शॉर्ट इंट्रो आप लोगों को दे रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का जो टाइम है वो ज़्यादा वेस्ट हो। मैं सभी के सभी गेम्स के बारे में आपको बताना चाहता हूँ ब्रीफली, ताकि आपको सभी गेम्स के बारे में पता चल जाए। तो चलिए मूव करते हैं यहाँ पर से हमारी सीरीज के एट्थ गेम की तरफ, और जो एट्थ गेम निकल के आता है वो है दोस्तों ARK सर्वाइवल इवॉल्व। दोस्तों ये एक सर्वाइवल गेम है जहाँ पर से आप लोगों को एक आइलैंड के ऊपर छोड़ा जाता है, वहाँ पर आप लोगों को डायनासोर्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे। जो कैरेक्टर है वो काफ़ी कमाल का है, और इस गेम की जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो है इसकी ग्राफिक्स। इस गेम के अंदर आप लोगों को बहुत ही अच्छी ग्राफिक्स देखने के लिए मिलती है, जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है।
जो आसपास का एनवायरमेंट है वो भी काफ़ी अच्छा देखने के लिए लगता है। तो चलिए दोस्तों मूव करते हैं यहाँ पर से हमारी सीरीज के नाइन्थ गेम की तरफ, और जो नाइन्थ गेम है वो अगेन एक रेसिंग कैटेगरी का गेम है। गेम का नाम है दोस्तों F1 मोबाइल रेसिंग। F1 मोबाइल रेसिंग एक खास तौर पर से मोबाइल डिवाइसेस को ध्यान में रखते हुए गेम बनाया गया है, और इस गेम की जो ग्राफिक्स हैं वो बहुत ही अच्छी आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। जो रेसिंग कार्स हैं, खास तौर पर से फॉर्मूला 1 रेसिंग गेम्स के जो फैन हैं उनको ये गेम जरूर से जरूर पसंद आएगा। चलिए दोस्तों हम लोग मूव करते हैं यहाँ पर से हमारे सीरीज के 10th गेम की तरफ, यानी कि हम लोग पहुंच चुके हैं अपने मिड में, और मिड सेक्शन में जो 10th गेम निकल के आता है वो है दोस्तों शैडोगन्स लेजेंड। दोस्तों ये भी काफी कमाल का फाइटिंग गेम है, जहां पर आप लोगों को मॉडर्निस्टिक वेपन्स देखने के लिए मिल जाएंगी, जो कैरेक्टर्स हैं, जो एनवायरमेंट है वो पूरा साइंटिफिक है, और जो गेम है वो भी आप लोगों को काफी अच्छा देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर से हम लोग काफी आगे आ गए हैं अपनी सीरीज के अंदर, और जो 11th गेम निकल के आता है वो है दोस्तों ड्रैगन बॉल लेजेंड्स। ऑफिशियली ड्रैगन बॉल जी के गेम ज्यादा प्ले स्टोर के ऊपर लॉन्च नहीं होते हैं, लेकिन इस साल हुआ है, और जो गेम निकल के आया है वो है ड्रैगन बॉल लेजेंड्स। नॉर्मल सा गेम है दोस्तों, इतना ज़्यादा हाई ग्राफिक भी नहीं है, उतना उस लेवल को रिप्रेजेंट नहीं कर पाया जिस लेवल को ड्रैगन बॉल जी के फैंस चाहते हैं कि गेम होना चाहिए था, लेकिन गेम ठीक ठाक है और ड्रैगन बॉल जी के फैंस को पसंद भी आ रहा है। तो चलिए मूव करते हैं यहाँ पर से हमारे सीरीज के 12th गेम की तरफ, और दोस्तों जो 12th गेम निकल के आया है उस गेम का नाम है कमांड एंड कॉन्क्वर राइवल्स। दोस्तों इस गेम ने भी काफ़ी ज़्यादा इंतजार कराया अपने फैंस को, क्योंकि ये काफ़ी टाइम बाद लॉन्च हुआ है। फाइनली अब ये लॉन्च हो चुका है गूगल प्ले स्टोर के ऊपर, और जो गेम है वो टोटली एक न्यू जनरेशन का गेम है। काफ़ी कमाल की ग्राफिक्स हैं, नया स्टाइल है फाइटिंग का, अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स को चूज करके आप इसमें फाइट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग मूव करते हैं यहाँ पर से हमारी सीरीज के 13th गेम की तरफ, और जो 13th गेम है वो बिलोंग करता है द रूम की सीरीज को, द रूम्स ओल्ड सिंस। ये एक और नया गेम है दोस्तों, द रूम जो सीरीज आप लोगों को देखने के लिए मिल जाती है उसी से। इस गेम के अंदर वही, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हॉरर, स्ट्रेटजी, पजलिंग, सब कुछ इस गेम के अंदर छुपा हुआ होता है। सभी कुछ आप लोगों के ऊपर डिपेंड है किस तरीके से आप लोग एक्शंस को परफॉर्म करते हैं, और उसी तरीके से जो गेम है वो चलता जाता है। तो यहाँ पर से हम लोग मूव करते हैं सीरीज के 14th गेम की तरफ, और दोस्तों जो 14th गेम निकल के आता है हमारा इस सीरीज का वो है असैसिन्स क्रीड रिबेलियन। दोस्तों असैसिन्स क्रीड की सीरीज का ही एक बिल्कुल नया गेम निकल के आया है 2018 के अंदर एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए, और इसके अंदर आप लोगों को जो कैरेक्टर्स देखने के लिए मिलेंगे वो मिनियन है, यानी कि छोटे छोटे कैरेक्टर्स देखने के लिए मिलेंगे, लाइक लेगो, जैसे कि लेगो की गेम्स होते हैं उसी तरीके का एनवायरमेंट है, लेकिन गेम अच्छा है। गेम की जो स्टोरी है वो अच्छी है, गेम खेलने में मजा आता है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का गेम है, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मूव करते हैं यहाँ पर से फाइनली हम लोग अपने सीरीज के 15th गेम की तरफ, और जो 15th गेम निकल के आया है वो है दोस्तों आइडेंटिटी वी। आइडेंटिटी वी एक दोस्तों एक हॉरर ट्राइब स्ट्रेटेजी टाइप गेम है, जहाँ पर से आप लोगों को कमाल कमाल के कैरेक्टर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। चारों तरफ का जो एनवायरमेंट है वो हॉरिस्टिक बनाया गया है। गेम थोड़ा सा डिफरेंट है, अगर आप लोग इस तरह गेम्स पसंद है तो आपको ये गेम जरूर से जरूर पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों फाइनली हम लोग मूव करते हैं सीरीज के 16th गेम की तरफ, और 16th गेम बिलोंग करता है दोस्तों हम सभी के फेवरेट मार्वल से, मार्वल स्ट्राइक फोर्स। ये एक बिल्कुल नया गेम लाया है दोस्तों मार्वल की सीरीज से, मार्वल स्ट्राइक फोर्स। यहाँ पर से आप लोगों को सभी मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स के कैरेक्टर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, उनके बीच में फाइट होती है। कमाल कमाल के कैरेक्टर्स हैं, कमाल कमाल के मूव्स हैं, डिफरेंट स्टाइल का गेम है, मार्वल के फैंस को जरूर जरूर ये गेम पसंद आएगा। तो यहाँ पर से हम मूव करते हैं सीरीज के 17th गेम की तरफ, और जो 17th गेम है दोस्तों वो अगेन एक बैटल रॉयल गेम है। गेम का नाम है दोस्तों होपलेस लैंड्स फाइट फॉर सर्वाइवल। जिन यूजर्स के डिवाइसेस के अंदर पबजी रन नहीं करता है वो लोग इस गेम को प्ले करते हैं, क्योंकि इस गेम का जो साइज है वो बहुत ही कम आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। ग्राफिक्स थोड़ी सी लो है, लेकिन गेम सेम टू सेम पबजी जैसा ही है, वही एनवायरमेंट है बैटल रॉयल गेम्स वाला। हालांकि कुछ यूजर्स को ये जो गेम है ज्यादा पसंद नहीं आता है। यहाँ पर से हम लोग मूव करते हैं फाइनली अपनी सीरीज की 18th गेम की तरफ, और दोस्तों जो 18th गेम निकल के आया है वो है एल्टोस ओडिसी। दोस्तों एल्टोस ओडिसी एक फन लविंग गेम है, एडिक्टिव गेम है, जिसके अंदर आप लोग को जाना होता है अलग अलग स्लाइड्स को परफॉर्म करते हुए। एल्टोस सीरीज के काफी सारे गेम्स आप लोग को ऑलरेडी देखने के लिए मिलते हैं, और ये इस साल का एक और नया गेम वो लेकर के आए हैं। दोस्तों ये जो गेम्स होते हैं ये थोड़े से एडिक्टिव होते हैं, इन गेम्स के ऊपर ज़्यादा जो है ग्राफिस्टिक्स या फिर लेवल वगैरह से नहीं बनाए जाते हैं। ये दोस्तों नॉर्मल गेम्स हैं जो नॉर्मल यूजर्स के लिए बनाए जाते हैं, और ख़ास तौर पर से एक बात ये भी है कि ये गेम जो है टॉप 5 लिस्ट के अंदर भी आता है 2018 की, यानी कि ये गेम इतना ज़्यादा पसंद आया है आप सभी को। तो चलिए फाइनली हम लोग मूव करते हैं सीरीज के 19th गेम की तरफ, यानी कि हम लोग पहुंच चुके हैं अपने सीरीज के सेकंड लास्ट गेम के पास में, और जो सेकंड लास्ट गेम निकल के आता है वो है लाइफ इज स्ट्रेंज।
दोस्तों लाइफ इज स्ट्रेंज अगेन एक कमाल का गेम है जो कि सिमिलर लगता है टेलटेल सीरीज की तरह। इस गेम के अंदर आप लोगों को वही तरह का एनवायरनमेंट देखने के लिए मिलेगा, यानी कि आपको ऑप्शंस सिलेक्ट करने होंगे, क्या आपकी राय है, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे और उसी हिसाब से गेम जो है आगे चलेगा। ये जो कैरेक्टर है ये रिवॉल्व करता है एक स्टोरी प्लॉट को, यानी कि ये जो कैरेक्टर फोटोग्राफर है इसको बचाना होता है अपनी फ्रेंड को, कभी ये पास्ट में जाती है कभी फ्यूचर में। इस तरीके का कमाल का एनवायरनमेंट आप लोगों को इस गेम के अंदर देखने के लिए मिलेगा। अगर आप लोगों को इस तरह के गेम पसंद आते हैं तो जरूर से जरूर एक बार इसे ट्राई कीजिए। गेम बहुत ही अच्छा है, स्टोरी बहुत ही अच्छी है। तो चलिए दोस्तों फाइनली हम लोग मूव करते हैं सीरीज के लास्ट गेम की तरफ। और दोस्तों जो सीरीज का लास्ट गेम निकल के आता है वो है इन्फिनिटी ऑप्स। दोस्तों इन्फिनिटी ऑप्स जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है साइंटिफिक FPS ये गेम है। यहाँ पर से जो एनवायरनमेंट है वो टोटली साइंटिफिक देखने के लिए मिलेगा। मॉडर्निस्टिक ग्राफिक्स हैं, मॉडर्निस्टिक कैरेक्टर्स हैं, जो आसपास का जॉनर है वो भी बिल्कुल चेंज्ड है। इसी तरीके का गेम है दोस्तों, यहाँ पर से आप लोगों को फाइट करनी होगी, टोटली फाइटिंग एनवायरनमेंट है साइंटिफिक लेवल पे। और गेम अगर अच्छा लगे तो सभी के सभी गेम्स की जितने भी इस वीडियो के अंदर बताए हैं डाउनलोड लिंक्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, तो जाकर के अगर अभी तक कोई भी ऐसा गेम बचा है जो ट्राई नहीं किया है तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो यार, जल्दी से जाओ गेम्स को ट्राई करो। गेम्स का काम है खेलना, लेकिन एक लिमिट तक गेम्स को प्ले करो, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, माइंड रिलैक्स होगा और कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अब बात करते हैं वीडियो की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार जरूर जरूर वीडियो को लाइक करो, वही लाइन है, दोस्तों के साथ में शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ये तो आप लोगों का काम है, आप लोग करेंगे ही मुझे पता है। और मैं आप लोगों से मिलूंगा दोस्तों इसी तरह की एक और बिल्कुल नहीं धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन कीप वॉचिंग, प्रोटेक्ट।